हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर्स सीरीज, द बेस्ट सीरीज फॉर द प्रीलिम्स 2025 करंट अफेयर्स, जहां पर हम सिर्फ प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स पढ़ाते ही आपको याद भी कराने की कोशिश करते हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 25। लेक्चर नंबर 25 के अंदर आपका स्वागत है। राइट, तो इससे पहले 24 लेक्चर्स हो चुके हैं बच्चों, उनको देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर करंट अफेयर्स पढ़ा रखे हैं। इतना इजी आपको करंट अफेयर्स हम करना चाहते हैं इन लेक्चर्स में कि आपको करंट अफेयर्स से डर लगना ही बंद हो जाए और आप बहुत ही इजी मैनर के अंदर सारे करंट अफेयर्स कर लें। राइट, तो सीरीज हमेशा कंप्लीटली फ्री रहेगी, 100+ लेक्चर्स के अंदर रहेंगे और एक लेक्चर का टाइम पीरियड बहुत कम होता है, 25 से 30 मिनट्स के अंदर हम लेक्चर खत्म कर देते हैं, जिससे कि आपके ऊपर वर्डन नहीं आए, डेली का आप इजिली देख सकते हैं इसको। राइट, सो लेट स्टार्ट द क्लास, बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो, जैसे हम करंट अफेयर्स के अंदर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे हम कुछ कोर्सेज, स्टैटिक पोर्शन के कोर्सेज हमने कुछ बनाए हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जैसे इकोनॉमिक्स का कोर्स है जिसके अंदर हम फाउंडेशन प्लस एडवांस बैच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पहले हम आपको फाउंडेशन क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर पूरा एडवांस बैच खड़ा करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिस्टमेटिकली ये बनाया जाता है और इसके अंदर आपको ना सिर्फ हम कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस करा रहे हैं पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर। नोट्स तो चलो छोटी बात है, वो तो सभी प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ आपके डेली क्वेश्चन आंसर जो है वो हम यहाँ पर देते हैं आपको, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं। और ये देखिएगा कि इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है, जिसके अंदर 10 टेस्ट इसके अंदर आपसे टेस्ट सीरीज के फॉर्म के अंदर हम पूछेंगे। मतलब टोटल ओवरऑल मेरा ये मानना है कि 1000+ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा दूं इकोनॉमिक्स के, जिसके अंदर कुछ फिर बच नहीं जाएगा। राइट, इसी के साथ साथ मेंस की बात करें तो मेंस की टेस्ट सीरीज भी है इसके अंदर। नोट्स जो है मेंस के हम बना रहे हैं योजना, कुरुक्षेत्र, इन मैगजीन्स के अंदर से, जो कि बहुत ही ऑफिशियल और ऑथेंटिकेट नोट्स होंगे। बजट इकोनॉमिक सर्वे के अंदर से हम क्लासेस यहाँ पर आपको करवा रहे हैं और ये जो कोर्स होगा दैट विल बी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स और इसके अंदर मोर देन 60+ क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेगी। राइट, इसी तरह से हमारा इथिक्स का कोर्स है, दैट इज ऑल्सो कंप्लीट जीएस पेपर 4 का इसके अंदर कवरेज हम कर रहे हैं, जिसके अंदर वीकली टेस्ट भी है, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट भी है इसके अंदर, लास्ट ईयर पेपर डिस्कशन, ये सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करा जा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस का भी कोर्स आप ले सकते हैं, इंडियन पॉलिटी का भी कोर्स आप यहाँ से ले सकते हैं। राइट, चलिए लेट स्टार्ट विद द क्लास, स्टार्ट करते हैं क्लास से और हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अभी न्यूज के अंदर क्या है, क्यों है ये न्यूज के अंदर, इसलिए क्योंकि अभी मिनिस्टर्स जो है इनके जो मिनिस्ट्रल मीटिंग हुई थी सिंगापुर के अंदर, ठीक है, तो यहां पर ये एक तरह से इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जो मेंबर्स हैं उनके मिनिस्टर्स यहां पर मिले थे, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। अब ये है क्या, ये हम इसके अंदर समझते हैं। देखो ऐसे समझिए कि ये एक तरह से पैक्ट है कुछ कंट्रीज के बीच में, 14 कंट्रीज के बीच में पैक्ट है, जिसके अंदर एक तरह से ट्रेड पैक्ट से थोड़ा सा अलग है, ट्रेड पैक्ट से थोड़ा सा अलग है, जैसे ट्रेड पैक्ट होता है ना उससे थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर काफी फ्लेक्सिबिलिटीज दे रखी इन 14 कंट्रीज को। तो यहां पर ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा था चलो भाई एक कोई ऐसा पैक्ट हम साइन करते हैं जिसके अंदर सारी कंट्रीज के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिसके अंदर पिलर्ड अप्रोच हो और जिसके अंदर क्या है कि आप कोई भी पिलर को ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे पिलर्स को ही फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी आप पिलर्स के अंदर फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर इस तरह से 4 पिलर्स है, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो एक पार्टनरशिप है जिसके अंदर कंट्रीज जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, ठीक है, इसकी बीच में जो कंट्रीज आ रही हैं उनकी एक एसोसिएशन बनाने की कोशिश करी जा रही है और एक तरह से ये क्या है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो कि काउंटर कर रहा है चाइना को, ठीक है, चाइना के एग्रेशन को काउंटर यहां पर कर रहा है। चलिए तो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स स्टार्ट द क्लास। इट इज यूएस लेड इनिशिएटिव, आप समझ रहे हैं यूएस वर्सेज चाइना चलता ही रहता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर का गेम है ये, दैट एम्स टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप अमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज टू एनहांस रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इन सब के लिए, ये सब चीजों के लिए क्या है, ये एक तरह से एक फ्रेमवर्क यहां पर बनाया गया है। 2021 के अंदर ये फ्रेमवर्क लॉन्च हो गया था, आप देखें कोविड के बाद ये पता चल गया था हमें कोविड के बाद कि भाई एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना दैट इज अ बिग मिस्टेक, ठीक है, कि सब कुछ चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना हर मतलब एक सप्लाई चेन के अंदर, तो दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक। तो हमको बहुत सारा डायमेंशन हमको इसके अंदर करना पड़ेगा, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी सप्लाई चेन बनानी पड़ेंगी और उसी के अंदर ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यहां पर है। अब यहां पर सप्लाई चेन के बारे में हो रहा है कि भाई जो रॉ मटेरियल्स होता है, जो और सप्लाई चेन होती है, जो मिनरल्स की सप्लाई चेन होती है वो बनी रहे, किसी एक कंट्री के भरोसे रहेंगे तो वो कंट्री डूबी तो हम सब डूब जाएंगे फिर। राइट, इसलिए यहां पर 4 पिलर के ऊपर इस फ्रेमवर्क को बनाया गया, जिसके अंदर सबसे पहला पिलर है दैट इज सप्लाई चेन रेजिलियंस, ठीक है। तो यहां पर देखो आईपीईएफ इज नॉट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बट अलाउस मेंबर टू नेगोशिएट, बहुत ही फ्लेक्सिबल है ये,
है ना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि फ्लेक्सिबल है। नेगोशिएशन जो होते हैं चार पिलर्स के ऊपर होते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस है, सेकंड क्लीन एनर्जी डीकार्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, थर्ड इज टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन एंड फोर्थ इज फेयर एंड द रेजिलिएंट ट्रेड। ये चार पिलर्स के ऊपर क्या है, पिलर्स के ऊपर यहां पर पार्टनरशिप होती है। और इन चार पिलर्स में से हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप एक कंट्री हैं, इसकी मेंबर हैं, आपको ये वाला पिलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप इस पिलर का पार्टिसिपेट मत करिए, बाकी तीन का कर लीजिए, ऐसा भी इसके अंदर होता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखिए, इट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रेड पैक्ट एंड प्रोविजन ऑफ मल्टीपल पिलर्स जस्ट अंटिल एन ऑप्शंस फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू चूज व्हाट दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो, सिंस आईपीईएफ इज नॉट ए रेगुलर ट्रेड पैक्ट, द मेंबर्स सो फार आर नॉट ऑब्लिगेटेड बाय ऑल द फोर पिलर्स, सारे चार पिलर्स को साइन करना कोई जरूरी नहीं है इनको। जैसे इंडिया ने, अगर आप देखेंगे, इंडिया ने ट्रेड पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट जो है ना उसको चूज नहीं करा है। ठीक है, ये जो ट्रेड पार्ट एग्रीमेंट का है, फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड, इसको चूज नहीं करा है, और बाकी इन तीनों को, इन तीनों पिलर्स को चूज कर लिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है आईपीईएफ फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया ने कौन से पिलर को नहीं चूज करा गया है, इस तरह से ये पूछ सकते हैं। तो आप कहेंगे साहब रेजिलिएंट ट्रेड को नहीं कराया हमने, क्योंकि हमको लगता था कि अगर हम मान लीजिए ट्रेड के अंदर कर लेते हैं, ठीक है, तो हमको अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ेगा, हमको फ्री ट्रेड प्रोवाइड करना पड़ेगा किसको, इसकी मेंबर कंट्रीज को, और इसके कारण हमारे डोमेस्टिक प्लेयर को हो जाएगा नुकसान। तो इसलिए हमने क्या करा है, इसलिए हमने ये जो लास्ट पिलर है फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड, ये हमने इसके अंदर से हम बाहर रहे हैं। हमने कहा भैया हम इसके अंदर से बाहर रहेंगे, तीनों बाकी की चीजें इनके अंदर हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, बट इसके अंदर फोर्थ पिलर के अंदर वी आर नॉट विलिंग टू डू दैट, राइट। तो यहां पर देखिए, सो व्हाइल स्टेइंग अवे ऑफ द ट्रेड पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट अरेंजमेंट, इंडिया हैज जॉइन द अदर थ्री पिलर्स ऑफ द मल्टीलेटरल अरेंजमेंट, सप्लाई चेन है ना, टैक्स एंड एंटी करप्शन एंड क्लीन एनर्जी का हमने क्या करा है, इसको ज्वाइन कर लिया। इसके अंदर इंडिया के अलावा 13 और कंट्रीज हैं, और ये 13 कंट्रीज जो हैं लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन आर इट्स मेंबर्स, और आप यहां पर देख सकते हैं ये सारी कंट्रीज के पार्ट है। तो यहां पर सर चाइना तो है नहीं, चाइना तो नहीं है, चाइना के अगेंस्ट में ही तो ये एक तरह से बोला नहीं गया है कि चाइना के अगेंस्ट में बनाया, बट एक तरह से चाइना, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन, उसके लिए ही ये बनाया गया है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रिपल थ्रेट। ट्रिपल थ्रेट क्या है, तो देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिसेफ ने, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने एक रिपोर्ट निकाली है ट्रिपल थ्रेट, जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि भाई तीन चीजें जो है ना वो चिल्ड्रंस के हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। एक तो क्या है, डिजीज, दूसरा है क्लाइमेट रिस्क, और तीसरा है अनसेफ वॉश। वॉश का मतलब क्या है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो यहां पर देखिए, हाउ डिजीज, क्लाइमेट रिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट ए डेडली कॉम्बिनेशन फॉर द चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस के लिए एक तरह से डेडली कॉम्बिनेशन यहां पर इसने बना रखा है, इन तीनों ने मिलकर, डिजीज, क्लाइमेट रिस्क एंड अनसेफ वॉश। तो यहां पर आप देखिए, रिपोर्टेड बाय द यूनिसेफ, ट्रिपल बर्डन ऑफ द वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, और इसके अंदर आप देखिए डिजीज को मिला दो और यहां पर क्लाइमेट रिस्क को मिला दो, तो भाई साहब ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है जिसको फेस कर रहे हैं चिल्ड्रंस। वॉश इज ए कलेक्टिव टर्म जिसके अंदर लिख रखा है ड्रिंकिंग वाटर, इंप्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड मेंटेन बेसिक लेवल ऑफ हाइजीन। ये एक तरह से कलेक्टिव टर्म है, इसको वॉश रिप्रेजेंट ऐसे भी पूछा जा सकता है, बट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि सबको पता होता है। अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि सबको नहीं पता। डब्ल्यू ए मतलब वॉश, का मतलब वाटर, एस का मतलब क्या होगा, सैनिटेशन, और एच का मतलब हाइजीन होता है इसके अंदर, राइट। तो ट्रिपल थ्रेड बटन क्या है, यहां पर ये देखिए, लेस देन 50% एक्सेस टू एटलीस्ट बेसिक वाटर और सैनिटेशन सर्विसेज। आप यहां देखेंगे वर्ल्ड के अंदर 50% जो है वर्ल्ड एक्सेस जो है बेसिक वाटर सैनिटेशन का नहीं है, ठीक है। विद इन टॉप 20 कंट्रीज विद हाईएस्ट बर्डन ऑफ द डेथ एट्रीब्यूटेड टू अनसेफ वॉश अमंग द चिल्ड्रंस अंडर द फाइव। अंडर फाइव अगर हम देखेंगे चिल्ड्रंस की डेथ का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है, सबसे बड़ा रीजन है वॉश। और फिर यहां पे देखिए, विद इन 25% ऑफ द कंट्रीज फेसिंग हाईएस्ट थ्रेट ऑफ द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल हजार्ड इन द यूनिसेफ चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट हजार्ड के कारण यहां पर आप देखेंगे बेसिक वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज यहां पर प्रोवाइड नहीं हो रही, जिससे डिजीज हो रही है। और यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों की मृत्यु का कारण जो है अनसेफ वॉश जो है बच्चों की मृत्यु का कारण है। तो ये ट्रिपल थ्रेट इस तरह से आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर रिपोर्ट में और भी चीजें लिख रखी है, जैसे ग्लोबली 600 मिलियन चिल्ड्रन स्टिल लैक्स सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर, सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर उनको नहीं मिलता है। 1.1 मिलियन
बिलियन लैक्स सेफली मैनेज सैनिटेशन, ये कभी कभार इनको इस तरह से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही लिखा है, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, इसके अंदर से कभी कभार क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है साहब। अब नेक्स्ट इज सीताकली फोकार्ट, सीताकली फोकार्ट। तो देखो जहां पे भी एक चीज याद रखना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन के पीछे कली खिलती हुई आ जाए तो आप केरला से याद कर लेना, के फॉर कली, के फॉर केरला, ठीक है। तो कभी भी कोई डांस फॉर्म आ जाए जिसके पीछे कली लिखा हुआ है, जैसे कथक कली, ठीक है, तो दैट इज द केरला डांस, राइट। इसी तरह से सीता कली तो केरला का डांस है, केरला का है। तो ये आप एक बार इसके अंदर क्या कर सकते हो, चांस ले सकते हो साहब, ठीक है, रिस्क ले सकते हो। तो सीता कली अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आपको ये पूछा जाता कि मान लीजिए कहाँ का फोक आर्ट है, तो केरला का ही फोक आर्ट है, ऐसे आपको याद रखना है। अब सीता कली क्यों न्यूज के अंदर है, क्योंकि अभी ये क्या है, एक तरह से यहाँ पर द हिंदू के अंदर इसकी न्यूज आई थी, दैट्स व्हाई इट बिकम द इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पर देखो सीता कली फोक आर्ट क्या है, यहाँ पर अपन इसके अंदर देखते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, सीता कली का मतलब रामायण से रिलेटेड है, तो ये आप याद रखो, सीता कली मतलब रामायण। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जनरली जो इसके अंदर होते हैं वो दलित आर्टिस्ट होते हैं, दलित आर्टिस्ट होते हैं, और ये एक तरह से क्या करते हैं, जो भी रामायण के करेक्टर्स था उनको पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है, जैसे राम जी हो गए, सीता माता हो गई, राइट, रावण हो गया, हनुमान हो गए, पूरा का पूरा उनके करेक्टर्स को प्ले करते हुए अपना एक पूरा पूरा का पूरा एक तरह से एपिसोड्स ये बनाते हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से अपना प्ले ये बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीता के लिए सेंचुरी ओल्ड फोक आर्ट फॉर्म दैट इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड एट द परिनाथ इन कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला, केरला के अंदर थे, केरला के अंदर ये आर्ट जनरेट डेवलप हुई है। सीताकली पोर्ट्रेस द जर्नी फ्रॉम द वन यात्रा, मतलब एग्जाइल ऑफ द टू द फॉरेस्ट, जब भगवान को वनवास मिला था, टू अंधर धनम डिसेंड इन टू द अर्थ ऑफ सीता, मतलब सीता माता का ऐसा था ना, धरती फाड़ के सीता माता उसके अंदर बस गई थी, राइट। तो वहां पर अंधर धनम तक ये पूरा का पूरा इसके अंदर पोर्ट्रे कराया जाता है, फीचरिंग द ब्लेंड ऑफ द सॉन्ग्स गाकर, स्टोरी सुनाकर और फास्ट मूवमेंट के थ्रू ये सीताकली फोक आर्ट कराया जाता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीता माता, राम लक्ष्मण, ठीक है, और रावण, ये सब कुछ कराया जाता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी कि भगवान जो है वनवास के अंदर निकल गए, और एंड होती है धरती माता के अंदर समा गई सीता माता धरती माता के अंदर समा गई, राइट। तो इट इज परफॉर्म प्राइमरली बाय द दलित आर्टिस्ट, आपको ये याद रखना है, वेदा और पुलाया कम्युनिटी के अंदर से, ठीक है। तो वेदा और पुलाया कम्युनिटी जो है दलित आर्टिस्ट इसके अंदर होते हैं, और इन कम्युनिटीज के अंदर, दिस आर द दलित कम्युनिटीज, ये परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हार्वेस्ट फेस्टिवल के अंदर, ओनम के हार्वेस्ट फेस्टिवल के अंदर ये एक तरह से उसका पार्ट है। ओनम के अंदर बहुत सारे ओनम फेस्टिवल जो होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो उनमें से एक एक्टिविटी ये है, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एपिसोड्स टेकन फ्रॉम द एपिक रामायण एंड पोर्ट्रेज करेक्टर सच एज राम, सीता, रावण एंड हनुमान, ठीक है। I hope this is clear. It is blend of songs, storytelling, fast movements, props and instruments used during the performance are all made of natural materials like bamboo, palm leaves. इन सब से ये बने रहते हैं, ठीक है, ये natural material से बने रहते हैं. Vibrant colors, costumes and makeup is used. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे के सारे features हैं इसके अंदर, सीताकली केरला, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे रामायण, सीता से रामायण याद कर लीजिएगा, रामायण के कुछ एपिसोड जो है उसके अंदर दर्शाए जाते हैं, और यहाँ पर जहाँ से भगवान राम को वनवास मिला था और सीता माता के धरती के अंदर समाने तक का पूरा पिक्चराइज यहाँ पर करा जाता है, मतलब एक तरह से ड्रामेटाइज करा जाता है, ड्रामा के फॉर्म के अंदर यहाँ पर दिखाया जाता है। ओनम फेस्टिवल का ये पार्ट है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट इज स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व स्कीम क्या है, देखो स्वामित्व मतलब होता है ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप स्कीम का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर देखो कि है ना, स्वामित्व स्कीम के अंदर क्या होता है कि जैसे गांव है ना, अब गांव में जनरली क्या होता है कि गांव के अंदर ये नहीं पता चलता कि भाई ये घर किसका है, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पट्टा ही नहीं होता घर का, ठीक है, घर के रिकॉर्ड्स ही नहीं होते, राइट। ऐसा हो सकता है कि ये जैसे घर, ये एक लैंड का टुकड़ा है, ये रामलाल का है ना, दूसरा यहाँ पर मोहनलाल का है, कल थोड़ा मोहनलाल यहाँ पर खाट बिछा कर सो गया और यहाँ पे एक बाउंड्री बना दी, तो रामलाल ने कहा भाई ये तो मेरा है, ना मोहनलाल के पास पट्टा है ना फिर रामलाल के पास पट्टा है अपने घर का, और इसके लिए, इसके कारण दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे स्वामित्व स्कीम के अंदर कि भाई किसकी ओनरशिप है, स्वामित्व मतलब ओनरशिप किसकी है, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक सर्वे करा जाएगा, ठीक है, और सर्वे किया जाएगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी से पूरी मैपिंग करी जाएगी विलेज की,
और ये बताया जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किस तरह से किसका डिजिटल रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे, लैंड रिकॉर्ड्स, और बताया जाएगा कौन सा एरिया किसका है। और इस सर्वे करने से एक भी ये भी फायदा हो जाएगा कि यहाँ पर ये किस तरह से इसको प्लान करा जाए इस गांव को, ठीक है, कहाँ से सड़क निकाली जाए, कहाँ पर कुआं खोदा जाए, ये सब चीजें इसके अंदर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विलेज के लिए प्रोग्राम है जिसके अंदर एक तरह से सर्वे कर रहे हैं, विलेज की मैपिंग कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी से, ड्रोन से पूरी मैपिंग करी जा रही है। फिर ये बता रहे हैं किसका लैंड रिकॉर्ड किसका क्या है, कौन सा जमीन का टुकड़ा है, प्लस ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर एक तरह से सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करी जा सकती है, उसको पूरे मैपिंग करने की चीज को उसको स्वामित्व स्कीम बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्वामित्व का मतलब ही समझिए, यहाँ पर सर्वे ऑफ द विलेज अबाड़ी एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज, ठीक है। ये एक स्कीम है जिसको अभी नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस यहाँ पर मिला है, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, ठीक है। तो स्वामित्व स्कीम देखिए, 6.2 लाख विलेजेस टू बी कवर्ड इन द 4 इयर्स, 4 साल के अंदर 6.2 लाख विलेजेस के अंदर कवर करना है। क्रिएट एक्यूरेट लैंड, रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, नहीं तो रामलाल मोहनलाल लड़ते रह जाएंगे, ठीक है। एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द लैंड पार्सल्स, विल स्ट्रीमलाइन प्लानिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शंस, एंड एंश्योर क्लैरिटी ऑन द प्रॉपर्टी राइट्स इन द रूरल एरियाज। टू एस्टेब्लिश 300 कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस अक्रॉस द कंट्रीज, लैंड पार्सल्स इन द इनहेबिटेड रूरल इनहेबिटेड एरियाज आर मैप्ड यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पर एक तरह से ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स इसके अंदर बनाए जाएंगे, मैंने आपको बताया था कहाँ से सड़क निकलेगी, क्या निकलेगी, ये सब चीजें इसके अंदर है। ये ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, और पूछेंगे भाई ये इसी स्कीम के ऑप्शन है क्या, तो आपको इसके अंदर बताना होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि डिजिटल रिकॉर्ड होगा, ये रामलाल पहले ये लड़ रहा था, आप देखो कितना असर आए, क्योंकि इसको अपने जमीन का पता चल गया कि कौन सी इसकी जमीन है, कौन सी मोहनलाल की जमीन है, ठीक है। चलो स्वामित्व स्कीम के बारे में समझ गया, ठीक है। अब देखो, क्रिएशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड फॉर रूरल प्लानिंग टू ब्रिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू सिटीजन द रूरल इंडिया, ठीक है। कैसे, जैसे अब जैसे मान लीजिए आपके पास, रामलाल के पास अपने घर का पट्टा आ गया, ठीक है, पट्टा मतलब लैंड रिकॉर्ड है ना, लैंड रिकॉर्ड आ गया। अब लैंड रिकॉर्ड आ गया तो अब ये किसी भी बैंक में जा सकता है और बैंक में कह सकता है साहब मुझे पैसा चाहिए लोन पे। बैंक पहले से पूछता था, अच्छा पैसा चाहिए, बता तेरा कौन सा जमीन है, ये जमीन बताता था, उसके पास कागज नहीं होते थे, इसलिए बैंक उसको लोन नहीं देता था और भगा देता था। अब ये आराम से मस्ती से जाएगा और दिखाएगा, लो भाई साहब कागज, ये पकड़ो कागज और मुझे दो लोन में पैसा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका डेवलपमेंट भी होगा। तो यहाँ पर ये देखिए कि इंडिया बाय इनेबलिंग देम टू यूज देयर प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर टेकिंग लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स भी पता लगा, पहले पता ही नहीं था भाई किसकी प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं लगता था। अब इससे स्टेट का एक्सचेकर जो होगा वो भी बढ़ेगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा, क्या स्वामित्व स्कीम से स्टेट को फाइनेंशियली फायदा हुआ है? हाँ हुआ है, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था किसकी लैंड है तो उस पर टैक्स भी नहीं आता था, पता चल गया साहब तुम्हारी लैंड है तो तुम्हें टैक्स भी इसके अंदर देना पड़ेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस आर द 4 पिलर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन द प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्टेड, ये एक पॉइंट हो सकता है स्वामित्व स्कीम के अंदर, बेटर प्लानिंग, सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक है, रिफॉर्म लैंड गवर्नेंस, रेगुलेटेड प्रॉपर्टी मार्केट और इंक्लूसिव सोसाइटी, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट यहाँ पर होगा, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्वामित्व स्कीम। बट अभी इसके अंदर और भी है, और भी कुछ पॉइंट है जो आपको इसके अंदर याद करना है। यहाँ पर ये देखिए, इट इज द सेंटर सेक्टर स्कीम, मतलब सारा पैसा ड्रोन व्रोन के अंदर और ये सब चीजों के अंदर कौन खर्च कराए, सेंटर करेगा, ठीक है। और सेंटर की कौन सी मिनिस्ट्री करेगी सर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। फॉर्मली लॉन्च इन 2021 के अंदर इसको फॉर्मली लॉन्च करा गया था, क्योंकि भाई देखो झगड़े होते हैं, ठीक है, झगड़े होते हैं तो वो पंचायत में सॉल्व होते हैं ना। फिर लैंड रिकॉर्ड्स के ऊपर रामलाल मोहनलाल लड़ रहे थे तो याद करो, पंचायत में सॉल्व होंगे, तो पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंदर ये आ रहा है, ठीक है। इट वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड रूरल इंडिया विद एन इंटीग्रेटेड इनहेबिटेटेड प्रॉपर्टी ओनरशिप सॉल्यूशन, दिस विल प्रोवाइड द रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट टू विलेज हाउसहोल्ड ओनर्स इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी कार्ड्स, टाइटल डीड्स, ये सब चीजें दी जाती है, ये मैंने आपको इसके अंदर बता दिया, राइट, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, अच्छा इसके अंदर ये चीज भी देख लो एक बार, तो स्वामित्व डैशबोर्ड है, ए सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग डैशबोर्ड फॉर रियल टाइम प्रोग्रेस मॉनिटरिंग स्वामित्व इम्प्लीमेंटेशन, डिजी लॉकर एप्लीकेशन है, जिसके अंदर क्या है, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, प्रॉपर्टी कार्ड होगा, वो सुरक्षित आपके डिजी लॉकर के अंदर रखा रहेगा। ग्राम मानचित्र मतलब आप देखेंगे, ग्राम मानचित्र मतलब विलेज की मैपिंग का यहाँ पर है, ठीक है।
तो फंड्स रिलीज टू नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स फॉर अनाउंसमेंट ऑफ द स्पेटियल प्लानिंग एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र एंड सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब चीजें आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अब एक नया जो टॉपिक है दैट इज नोमा। नोमा मतलब मम्मा नहीं, है ना। आप देखिए छोटा बच्चा जो होता है ना, उसको जब आप ब्रश करवा के देखो वो कितना नार होता है, बोलता है मम्मा नहीं रो नहीं रो नहीं, है ना, मेरे को ब्रश नहीं करनी, राइट। तो यहाँ पर आप देखो दैट इज नोमा, ये बच्चा ब्रश कर रहा है, मम्मी खड़ी है यहाँ पे, तो बिल्कुल कितने प्रेशर के अंदर आकर कर रहा है, ठीक है, ये मना कर रहा है मम्मी मेरे को ब्रश नहीं करनी। तो अभी क्या है, एक ये नोमा क्या है सर, ये क्या बता क्या रहो आप, ये एक बच्चों एक डिजीज है, और डिजीज है ये एक तरह से माउथ के अंदर होती है, तो माउथ के अंदर गैंग्रेन बन जाता है ना माउथ के अंदर, है ना, माउथ के अंदर पस पड़ जाता है, ये होता है, तो दैट इज ये डिजीज उसके अंदर होती है। और ये डिजीज छोटे बच्चों के अंदर होती है, 2 से 6 साल के लिए अंदर बच्चों के अंदर होती है, जिनका नरिशमेंट अच्छा नहीं होता। तो मतलब 2 से 6 साल के बच्चे जो कि ब्रश नहीं करते उनके मुंह में गैंग्रेन वाली प्रॉब्लम हो जाती है, और दैट इज नोन एज नोमा। ये नोमा एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, मतलब इसके ऊपर इतना ज्यादा रिसर्च और इतने ज्यादा चीजें इसके अंदर नहीं हुई है, ठीक है। एक तरह से मसूड़े फूल जाना, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है मसूड़ों के अंदर, और फेशियल टिश्यूज जो होते हैं मुंह के अंदर, जो टिश्यूज होते हैं मुंह के अंदर, इवन जो बोन्स होती है ना उनका एक तरह से वो क्या होता है, वो उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो देखते हैं क्या पढ़ते हैं क्या है। नोमा इज ए सेवरल सीवियर गैंग्रेनियस डिजीज ऑफ द माउथ एंड द फेस, प्राइमरली अफेक्ट मालनरिश्ड यंग चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 2 and 6 ईयर्स इन रीजन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी के रीजन के अंदर ये होता है। ये देखिए, इट स्टार्ट्स एज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम, सबसे पहले मसूड़े सूजते हैं, विच इफ नॉट ट्रीटेड अर्ली स्प्रेड्स क्विकली टू द टू डिस्ट्रॉय फेशियल टिश्यूज एंड द बोन्स। फिर धीरे धीरे फेशियल टिश्यूज फेशियल बोन्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। इट फ्रिक्वेंटली लीड्स टू डेथ, इसके अंदर धीरे धीरे फिर डेथ हो जाता है बच्चे का, ऐसा भी हो सकता है, विद सर्वाइवर सफरिंग सीवियर डिसफिगरमेंट। अगर सर्वाइवर हो भी जाता है बच्चा, मतलब जिंदा रह जाता है, तो उसका डिसफिगरमेंट होता है, मुंह का बिल्कुल वो जो होता है आकार बदल जाता है। एविडेंस इंडिकेट्स दैट द नोमा इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया फाउंड इन द माउथ, माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है। इसलिए ब्रश करना बहुत जरूरी है, ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके मेन रीजन ही ये है, इंक्लूडिंग पुअर ओरल हाइजीन, माल न्यूट्रिशन, वीकेंड इम्यून सिस्टम, इन्फेक्शन एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये इसका क्या है, ये एक तरह से यहां पर ये सब रीजन है, रीजंस है इसके, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी इसलिए रीजन है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे माल नरिश्ड रहेगा बच्चा, एक्सट्रीम पॉवर्टी होगी तो बच्चे को खिलाया नहीं जाएगा, जो उसके नरिशमेंट नहीं पहुंच पाएगा, और उसके कारण ये डिजीज हो जाती है। तो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स एंटीबायोटिक एडवाइस एंड सपोर्ट ऑन प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव ओरल हाइजीन विद डिसइंफेक्टेंट माउथवॉश एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसके अंदर इस डिजीज को देना है, देखना है, दैट इज नोन एज नोमा डिजीज, ठीक है बच्चों। तो इतना ही आज की क्लास के अंदर है। जाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ 25 तारीख 25 सितंबर याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको करने वाला हूँ, ठीक है। दैट कैन चेंज एंटायर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, पूरा जो भी प्रीलिम्स प्रिपरेशन है, बार बार में उसी खड्डे में गिरते जा रहे हो ना तुम, बार बार में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है प्रीलिम्स के अंदर, मीन्स पूरा पढ़ के रख रखा है पर प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ 25 सितंबर को। आपको एक वीडियो मिलेगा, उसको जरूर देखना, उसके अंदर पूरा सॉल्यूशन है कि किस तरह से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।